हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज जंबल्ड सेंटेंसेस आस्क्ड इन द सीजीएल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द एसएससी। इस तरह के सवाल में आपको 4 सेंटेंसेस ए बी सी डी जंबल ऑर्डर में दिए जाएंगे और आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है, जिसके लिए यू आर गिवन 4 ऑप्शंस ए बी सी डी और इन्हीं में से एक सही ऑप्शन को आपको चुनाव करना है। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। टॉपिक शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर ए, क्वेश्चन नंबर वन में सेंटेंस नंबर ए क्या है, इसको पढ़ें। एक्सीलेंटली वेल सी सेड, सवाल उठता है हु इज दिस सी, ये सी है कौन। यस, सीधे पर्सनल प्रोनाउन पर कैसे हम स्टार्ट करेंगे, इसके लिए एक नाउन होना चाहिए। एक्सीलेंटली वेल सी सेड, वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव अ हेवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स। इसका मतलब किसी ने उसे पूछा कि हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग विथ हर। इसका मतलब नंबर ए आपका फर्स्ट सेंटेंस स्टार्टर नहीं होगा। सेंटेंस नंबर बी देखिए, अ मैन, यस आपको एक नाउन मिला, यानी हमें नाउन से स्टार्ट करना है, यह स्टार्टर हो सकता है। लेट अस रीड इट। अ मैन हु हैड 2 डॉटर्स मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर। शी को देख ले, ऑफ ही वेंट, यानी मैन के बाद ये इसकी बारी आ रही, ही आपका आ रहा है यहाँ। डी आफ्टर ए वाइल ही, फिर इस मैन की बात आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पकड़ में आ गया और वो है सेंटेंस नंबर बी। आपका सेंटेंस नंबर बी इज द फर्स्ट सेंटेंस। अब देखिए कि बी किस ऑप्शन में आता है, तो ए में है नहीं तो इसको एलिमिनेट कर दें, बी में है तो इसे आप रोक लें, सी में भी है इसे भी आप रिटेन कर लें, डी में आपका बी से स्टार्ट नहीं हो रहा इसे एलिमिनेट कर लें। अब हमारा कंसंट्रेशन होगा ऑप्शन बी एंड सी पर। फर्स्ट सेंटेंस बी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें सेकंड सेंटेंस देखना कि वो सी है या डी है। नाउ फिर से आप सेंटेंस नंबर बी को पढ़ें। अ मैन हु हैड 2 डॉटर्स, उस मैन ने मैरिड किया अपनी एक बेटी को टू अ गार्डनर एंड दूसरी बेटी को टू अ पॉटर। आफ्टर अ वाइल ही पेड ए विजिट टू द गार्डनर, और शादी के बाद कुछ समय के बाद वह अपनी एक बेटी के पास गया। तो चलिए ये आपका सेकंड सेंटेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, डी आपका सेकंड सेंटेंस होगा। आफ्टर ए वाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स होम एंड आस्ट हिज डॉटर हाउ शी वॉज एंड हाउ इट फेयर्ड विद हर। तो सेकंड सेंटेंस आपका डी हुआ। आपका बी में जिसको हमने रोक कर रखा है, बी में सेकंड सेंटेंस आपका सी है, अतः ये एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर आपका नंबर सी हुआ, बी के बाद डी। और डी के बाद देखिए, उस बेटी से जो जिसकी शादी गार्डनर से उसने की थी, उससे पूछा कि वो कैसी है, तो उसका जवाब नंबर ए में आता है, एक्सीलेंटली वेल सी सेड, ये गार्डनर की बेटी। हमारा एनाफोरा मिल गया नंबर सी से, सी के बाद डी, और डी के बाद सॉरी नंबर बी से, बी के बाद डी, और डी के बाद ए पर। सी सेड वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, आई हैव बट वन प्रेयर दैट वी मे हैव अ हेवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स। और तब उसके बाद आ गया आपका फोर्थ सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस आपका हो गया ए, और उसके बाद फोर्थ आपका हो गया सी। ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स होम एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर हाउ मैटर्स आर विद हर। राइट आंसर इज नंबर सी, बी डी ए सी। फर्स्ट सेंटेंस आपका हो गया नंबर बी, सेकेंड सेंटेंस हो गया आपका नंबर डी, थर्ड वन इज नंबर ए एंड द फोर्थ वन इज नंबर सी, बी डी ए सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर ए, व्हाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन, ऑल्सो ने इसे रोक दिया फर्स्ट सेंटेंस। इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। सो फर्स्ट सेंटेंस ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑल्सो स्ट्रेस दे रहा है, इसका मतलब इसके पहले एक नाम इसका और आया है। नोन शीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज इन द कंट्री एज वेल एज इन द नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। सो सॉरी,
दिस कैनॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस, कैनॉट बी द स्टार्टर। नंबर बी को देखते हैं, इट्स प्राइमरी, इट्स किसके लिए आ रहा है, यहाँ ये रुकावट पैदा कर रहा है, लेकिन इट्स जो है यदि इसके लिए माना जाए तो बी के बाद बारी आएगी नंबर ए की, यानी बी सेंटेंस में एक फॉर्म कर रहा है और ए उसके बाद जा रहा है, अभी तक फर्स्ट सेंटेंस की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। थर्ड सेंटेंस देखा जाए नंबर सी को, इंटरनेशनल टाइगर डे, तो यहाँ जो ऑल्सो आया इसका एक एनाफोरा नंबर सी में मिल रहा है, इंटरनेशनल टाइगर डे जिसे हम ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जानते हैं। सो ये आपका सी फर्स्ट सेंटेंस हो गया, क्योंकि नंबर डी में दिस एनुअल ये इसे रेफर कर रहा है सी को। सो आपका सी फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया। इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। फर्स्ट सेंटेंस आपका सी हुआ स्टूडेंट्स। अब देखें किस ऑप्शन में, फोर में से किस ऑप्शन में आपका फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट का स्टार्टर जो है सी आता है। तो नंबर ए में बी स्टार्ट कर रहा है, ये एलिमिनेट कर देते हैं। नंबर बी में डी स्टार्ट कर रहा है, ये भी एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी में आपका सी स्टार्टर है और नंबर डी में भी सी स्टार्टर है, यानी हम इन दोनों को रिटेन करेंगे। सेकंड सेंटेंस पे आना होगा, डी आता है या ए आता है। तो गौर से देखिए आप, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। ये आपका सेकेंड सेंटेंस चॉप्ड आउट हो गया। सो आपका सेकेंड सेंटेंस डी है। देखिए आपको डी यहाँ मिल जा रहा है, इसे आप आंसर के रूप में मार कर लें, नंबर डी को आसानी से एलिमिनेटेड कर लें। तो राइट आंसर आपका स्टूडेंट्स हो गया नंबर सी, फर्स्ट सेंटेंस आपका सी, सेकंड सेंटेंस डी। अब देखिए गौर से, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। एकदम चलें बी पर, इट्स प्राइमरी, यस इट्स एनुअल फंक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो इट्स प्राइमरी, ये थर्ड सेंटेंस हो गया। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। देखिए आपका बी हो गया, सी के बाद डी, डी के बाद बी और उसके बाद ए, एंड फाइनली नंबर ए पर आते हैं। ये आपका फोर्थ सेंटेंस हो गया। वाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन, कितना क्लियर हुआ, ऑल्सो नोन शीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज इन द कंट्री एज वेल एज इन द नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। अब आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया, रीअरेंज कर दे रहे आप। फर्स्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा सी, इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। सेकेंड सेंटेंस आपका डी, दिस एनुअल इवेंट ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। और तब उसके बाद बी पर आई, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व संरक्षण करना द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। एंड फाइनली ए, वाइल इंडिया इज होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज ऑल्सो नोन शीज अवेयरनेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज इन द कंट्री एज वेल एज इन द नेबरिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। इस तरह से बड़ी आसानी से आप जंबल्ड सेंटेंसेस को रीअरेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑर्डर वेरी इजली, प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन टू द कोहरेंस, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। उसके लिए आपको नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। दैट इज यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।